और तब से तब उससे भी ज्ञान नहीं होगा कि मैं नेता बनूंगा, मुझे भी पता नहीं होगा कि मैं विधायक और नेता बनूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहले विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं, साथी रहे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ। और ये तो गुडविल की बात होती है कि जिसके मेरे 15-20 साल पहले संबंध है वो आज भी यथावत है और रखने चाहिए। अगर मेरे संबंध सिर्फ अपने निजी मफाद के लिए होते तो शायद वो मेरे बुलावे पर ना आते। और मैं समझता हूँ कि ये कारण मुझे निकालने का नहीं है, जो कारण आज गिना रहे हैं बसपा वाले वो कारण नहीं है। मुझे निकालने का कारण तो 9 तारीख रात में बसपा कार्यालय पे शिवालिक नगर में रात में रचा गया था, जिसमें एक मोटी डील हुई है जिसका खुलासा मैं 18 तारीख में प्रेस के माध्यम से करूंगा। बसपा के विधायक कांग्रेस को बिक जाते हैं, कोई इतराज नहीं है। बसपा के विधायक सरकार गिराने विराने में बीजेपी को बिक जाते हैं, कोई इतराज नहीं है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बेच लेता, कोई इतराज नहीं है। शादी के आने में इतराज क्यों है? आज प्रीतम सिंह जी आए, हम दोनों 10 साल सदन में रहे, आज भी मेरे संबंध है। परसों हरीश रावत जी के बेटे भी आए थे, और हो सकता है कल और परसों में दूसरे लोग भी मुझे बधाई देने आए। अगर सामाजिक बसपा की सामाजिकता इतनी कम है कि हम आपस में मिल बैठ नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ ऐसी राजनीति का मैं लात मारता हूँ। मेरी ऐसी राजनीति नहीं है। पहले मेरा समाज है, पहले मैं सामाजिक हूँ, बाद में मेरी नेतागिरी, बाद में मैं राजनीति करूँगा। तो क्या आप कभी बसपा की विरोध नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, मैं बसपा में कभी भी अपनी मर्जी से नहीं गया हूँ। पहले भी मुझे बुलाया था और इस बार भी बुलाया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरी तरफ षड्यंत्र नहीं है, ये बसपा के साथ षड्यंत्र, कुछ लोगों ने बसपा को बेचने का काम किया है। किसको नुकसान है? अगर मुझे बसपा से निष्कासित कर रहे हैं तो फायदा किसे है? किसे फायदा है आप बताएं? बसपा को फायदा है, बीजेपी को फायदा है? फायदा उन लोगों को होगा जो यहाँ भ्रष्टाचार की पृष्ठ घाटा को लिखने का काम करते हैं। जो 2017 में रहा है वही रहेगा।